हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरबप्रीत कौर, अ मोटिवेशनल स्पीकर। पर आज मैं अपनी मोटिवेशन से अलग कुछ बात करना चाहूँगी कोरोना वायरस के बारे में। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वुहान सिटी चाइना से, और इसने कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ को इम्पेक्ट किया है हम सब के सामने है। और ये एग्ज़ाम्पल भी हमें पता है कि कैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ ने इसको लाइटली लिया, या उनके लोगों ने इसे लाइटली लिया, और कितनी बुरी तरह उनकी इकॉनमी या उनकी पब्लिक हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ा है, कितनी ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड हुई है। तो अब ये इंडिया में है, इंडिया को इम्पेक्ट कर रहा है। तो अगर उसके लिए हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स आ रहे हैं, आइसोलेशन के अंडर रखा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हमें आइसोलेटेड रहना है, अपने घर पे रहना है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हम क्यों उस बात को सीरियसली नहीं ले रहे? क्यों हम उनकी बात नहीं मान रहे? क्यों हम लोगों को अब काम करना है? वैसे तो हमें छुट्टियाँ चाहिए होती थी, अब गवर्नमेंट दे रही है फ्री टाइम। अब हमें इकॉनमी रेज करनी है अपनी कंट्री की, अब हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरवर्क करना है, आपको अर्न करना है। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है। पंजाबी इंडस्ट्री में इस पे गाने निकल रहे हैं, एक मैंने किसी का बॉलीवुड में से भी सुना, तो इसको जोक में मत लो, ये सीरियस है। लोगों की हेल्थ इम्पेक्ट हो रही है, उन लोगों से पूछो जिनकी फैमिलीज़ में डेथ हो चुकी है इसी की वजह से। आप सबको पता है कि एक इंसान का लॉस कितना बड़ा लॉस होता है, चाहे इस चीज़ का हमारी कंट्री में इलाज आ चुका है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हमेशा इलाज से अच्छी है, तो हम क्यों नहीं अपने आप को प्रिवेंट कर रहे? क्यों हम इस चीज़ को इतना लाइटली ले रहे हैं? प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर पे रहिए, जितना हो सके गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। ये हमारी हेल्थ के लिए है, गवर्नमेंट की हेल्थ के लिए नहीं। उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन मतलब वो अपना इलाज करवा लेंगे और वो प्रिवेंशन भी ले रहे हैं, तो जो भी किया जा रहा है वो हमारे लिए किया जा रहा है। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और लास्टली मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी ने कहा है, ये रूल्स उस गवर्नमेंट ने निकाले हैं, वो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। प्लीज़ डोंट गो इनटू द पॉलिटिक्स, इतनी गंदी पॉलिटिक्स में मत जाओ। अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, जो भी किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को बचाइए और अपनी फैमिली को बचाइए। और इसके बाद एक और बात है कि लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कुछ शेयर कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इतनी नेगेटिविटी चल रही है, जोक्स चल रहे हैं, तो प्लीज़ डियर, अगर हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम कुछ यूज़ कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने की हमारे पास पावर है, तो प्लीज़ उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी गलत सलत मत फैलाइए, कुछ भी नेगेटिव मत अपलोड कीजिए, बस अवेयर कीजिए लोगों को और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जितना हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करो, बार बार हाथ धो, जितनी बार भी आप किसी बाहर की चीज़ को छूते हो, किसी और के साथ हैंडशेक करते हो, अपने आप को क्लीन करो, अपने हैंड्स को वॉश करो और डायरेक्ट अपने माउथ को, अपने फेस पे हाथ मत लेके जाओ, पर गलत चीज़ें मत फैलाओ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।